दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अपना वोटर आईडी कार्ड साइबर कैफे में जाकर के ऑनलाइन तो करा लेते हैं, बट घर डिलीवर नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप 2 से 3 महीने तक इंतज़ार करते हैं, उसके बावजूद भी आपका वोटर आईडी कार्ड डिलीवर घर पे नहीं हो पाता है। तो इस केसेस में आप इस वीडियो के माध्यम से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना सीख पाएंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपके फ़ोन तक फ्री में चला जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ मैं। देन यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है NVSP, जो कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। नेशनल वाटर सर्विस पोर्टल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से लॉगिन कर पाएंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन एंड रजिस्टर, या आप यहाँ से भी लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, कैप्चा फिल कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है इपिक डाउनलोड, यानी कि आप यहाँ से अपना आधार कार्ड, सॉरी, यहाँ से आप अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो के माध्यम से डाउनलोड करके बताता हूँ। क्लिक करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक तो रेफरेंस नंबर, जो कि ऑनलाइन होते ही आपको रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप जहाँ से भी ऑनलाइन किए हैं उनके माध्यम से आपको ये रेफरेंस नंबर मिल जाता है तुरंत। दूसरा इपिक नंबर, यानी कि आपका वोटर कार्ड नंबर मैसेज के जरिए मिल जाता है, जो कि ऑनलाइन किया हुआ है अगर साइबर से, तो साइबर वाले के पास स्टेटस में इपिक नंबर दिखा देगा, तो वो हमें देगा नहीं। तो मैं रेफरेंस नंबर से आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ रेफरेंस नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर फिल कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपना स्टेट। मैं यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल लेता हूँ। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही सारा डिटेल्स आ जाएगा आपका। यहाँ पे इपिक नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा, रिलेटिव नेम आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे आपका आ जाएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी शो करेगा। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो मैं सेंड करता हूँ ओटीपी। यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करते ही आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ और वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड हो जाता है। डाउनलोड हो गया है, उसके बाद आप यहां से आप चेक कर पाएंगे अपना वोटर आईडी कार्ड। आपको यहां पे डाउनलोड हो चुका है। आप चाहे इसे तो प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे सेव करके रख सकते हैं। तो यहां से आपका एपिक नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस हमारे साथ इस चैनल से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना।